वैसे अड़ तो जाएगी, वो अड़गी रहेगा वहां पर। सो ये अभी जो है करने वाले इसका ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे कि भाई इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, तो वो चीज़ आज देखते हैं। और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी अच्छी जगह भी है जहाँ पे हम ट्राई करेंगे, तो अभी वहाँ से निकालेंगे हम, तो वहाँ से लेके आओ जाएगा। तभी जो है ना मैं यहाँ से निकालने की सोच रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ना ये जो टेकड़ा है ये यहाँ पे पता चल जाएगा, ले गाओ। अभी तक तो कहीं टच हुई नहीं है सीधी, तो वहाँ पे देखो मतलब टच होने से बच गई, मतलब काफ़ी डिफरेंस था वैसे तो, थोड़ा बहुत नहीं था। अभी आगे जाके और देखते हैं एक दो, एक बार यहाँ से और उतारो नीचे, तो यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे तो भिड़ी जाएगी, वो भिड़गी रहे तो नीचे, तो यहाँ पे हल्की सी टच हुई है, वो भी घास घास ही जो है टच हुई थी, बाकी कुछ खास टच नहीं हुई। तो अभी इसको ला के ना एक बार आगे हो रहा थोड़ा सा पैच, वहाँ पर और टेस्ट करते हैं। तो ये अभी जो है ना यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे टच होती है कि नहीं, यहाँ पे अड़ती है कि नहीं। तो अड़ी नहीं, आपको लगा होगा वीडियो में, बट अड़ी नहीं। ये देखो यहाँ पे टायर स्लिप कर गया। अभी जो आगे जाके और करते हैं थोड़ा सा टेस्ट, ये जो है ना ये दिख रहा गड्ढा है, यहाँ से और निकाल के देखते हैं। ले गो, हेलमेट इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि भाई हम स्पीड में नहीं चला रहे भाई, और कुछ खास हो भी नहीं है। तो यहाँ से तो स्मूथली उतर गई है, तो अभी जो है बीच में से यहाँ से निकाल के देखेंगे, यहाँ से तो अड़ी जाएगी वैसे तो चलो निकाल के देखते हैं। ले आओ यहाँ से एक बार, वैसे अड़ तो जाएगी, वो अड़गी रहेगा वहां पर। तभी गाइस ऊपर चढ़ा के देखते हैं यहाँ से, तो नहीं लगी यहाँ पे भी, परफेक्टली जो है चढ़ गई, उतरते टाइम थोड़ी सी लगी थी। फंस गई है यहाँ पे, जैसे ही ट्रैक से थोड़ी सी उधर से ली ना, तो बाइक जो है यहाँ पे नीचे टिक गई है, ग्राउंड के हिसाब को पता चल गया। तो ये कि थोड़ा कम है, और पिलियन हो तो फिर तो और भी दिक्कत है, बट पिलियन के साथ में ऐसी हरकतें करनी क्यों है। तो अभी इसको धक्का मार के निकालेंगे। तो ये था ग्राउंड क्लियरेंस का, तो मतलब थोड़ी बहुत लगती है, बट जैसे ऊंचे ब्रेकर होते कहीं कहीं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत लग जाएगी। पीछे ले लो, पीछे ही जान दो बस। तो वही पता चल गया होगा आपको, और यदि मैं M15 को लेके आऊँ तो वो भी यहाँ पे तो लग ही जाएगी, तो ऐसा कुछ है। बाकी प्रॉपर तो यार ब्रेकर वगैरह भी पता चलता है, कोई ऊंचा ब्रेकर हो वहाँ पर। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।